वेलकम टू mbbsi.com। मेरा नाम पीके सिंह है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां पर दो इंटेक होते हैं और मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स मतलब चाहते हैं कि उनका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, लेकिन होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में सीट लिमिटेड होती हैं, तो बच्चे इसमें बहुत जल्दी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे पहले अप्लाई कर देते हैं उनका वहाँ कन्फर्म एडमिशन हो जाता है। अच्छी बात इसमें क्या होती है कि अगर आपने इंडिया में काउंसलिंग की और काउंसलिंग करने के बाद अगर आपको इंडिया में सितंबर में एडमिशन नहीं मिला तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अब तो हमारे साल पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप अपना 1 ईयर सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विंटर इंटेक भी होता है और नाम तो आपने सुना ही होगा, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नाम का यूनिवर्सिटी रशिया में है और कुर्स्क सिटी में है। सबसे अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी तकरीबन 88 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है और फुली डेडिकेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ पर क्या होता है डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, लॉ है, बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी फुली डेडिकेट नहीं हो पाती किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, लेकिन जो मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है फुली डेडिकेट मेडिकल के लिए होती है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें प्रॉपर उसके हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा होंगे और वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा तो फैकल्टी भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगी, है ना। तो यूनिवर्सिटी में तकरीबन 6,000 से अधिक स्टूडेंट इसमें स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया के अलावा मलेशिया है, सिंगापुर है, कोरिया है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ इसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, इसमें ब्राज़ील है, पेरू है, चिली है, तो काफ़ी देशों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम जो पढ़ाते हैं वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, क्योंकि और ये रशिया की एक मात्र यूनिवर्सिटी भी है जो कि 1994 से अपना मेडिकल प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है पढ़ाने का, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें किसी में 2020 से किसी में 2015 से स्टार्ट हुआ है मेडिकल, इनको तकरीबन 30 साल का अनुभव है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का, हालांकि यूनिवर्सिटी पुरानी तकरीबन 88 ईयर्स की है। इसके अलावा अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रिसर्च रैंकिंग उसकी है वो है कि 441। इसके अलावा इसकी ईस्टर्न यूरोप इमर्जिंग यूरोप एंड सेंट्रल एशिया जो रैंकिंग है उसकी है 196 है, तो रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर देखो अगर किसी यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी होती है इसका मतलब उसमें ओवरऑल उसके डिपार्टमेंट, उसके हॉस्पिटल, उसके हॉस्टल, उसके अदर चीज़ें लाइब्रेरी हो सारी एडवांस होती है, बहुत ही अच्छा होता है। और इस यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल प्रोग्रेसिव जो MBBS प्रोग्राम है उसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करते हैं तकरीबन उसमें 60% स्टूडेंट इंडिया से बिलोंग करते हैं और तकरीबन इसमें 800+ इंडियन स्टूडेंट करंटली इसमें स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ से पास आउट होकर डिफरेंट कंट्रीज में जॉब भी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम डिटेल की तो इसमें जो प्रोग्राम डिटेल है उसमें इसको वहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मतलब MD बोला जाता है, जो कि अपने इंडिया में इक्विवेलेंट होता है MBBS के, और जो कोर्स कोड होता है वो 31.05.01 होता है। ये कोर्स कोड है बेसिकली MD का, जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो कि हम लोग इंडिया में उसको MBBS प्रोग्राम बोलते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5+1 का है, मतलब 5 साल का प्रोग्राम, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है, मतलब कि टोटल 5 साल 8 महीने इसमें प्रोग्राम है। अच्छा, ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है और ये NMC की सारी गाइडलाइंस मानता है। NMC के गाइडलाइंस क्या है कि 54 मंथ का प्रोग्राम होना चाहिए, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप और आप किस कंट्री में जाते हो आपको लाइसेंस के लिए एलिजिबल करें, लाइसेंस प्रोवाइड करें और करिकुलम इंग्लिश मीडियम हो, तो ये NMC की सारी गाइडलाइंस को मानता है। इसके अलावा WHO है, ECFMG है जो जिसमें हम एग्ज़ाम USMLE देते हैं, इसके अलावा GMC जो कि UK का है जिसमें ब्लैव एग्ज़ाम देते हैं, और कनाडा का जो मेडिकल काउंसिल, तो मतलब जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे कि कनाडा है, US है, UK है, इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल मेडिकल ऑर्डर है, तो ये सबसे अप्रूव्ड है। आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ से निकलने के बाद आप किसी कंट्री में अगर PG प्रोग्राम कर सकते हैं वहाँ जाके आप जॉब कर सकते हैं, बस क्या कि उस कंट्री का आपको एग्ज़ाम देना होता है। अब मेन बात आती है कि वाई स्टडी इन कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी,
एक तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की, जिसमें जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है वो सारी इसमें अवेलेबल है। तो ये चीज़ आपको जैसे मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती है वो सारी चीज़ आपको ऑन कैंपस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें रशिया का सबसे बड़ा एनेटमी थिएटर बना हुआ है वर्ल्ड क्लास। इसके अलावा इसमें वेल इक्विप्ड क्लासरूम है, लाइब्रेरी है और वाइड रेंज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिक्स मंथ का जैसे कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी एक्सेलेंट होते हैं, एकेडमिक काफ़ी साउंड होते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको सिक्स मंथ के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए आपको भेजती है यूएस में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसे क्या होता है कि बाकी यूनिवर्सिटी में आपको सिंगल डिग्री मिलेगी एमबीबीएस की, इसमें क्या होगा कि आपको एमबीबीएस डिग्री आपको मिलेगी रशिया से, है ना, साथ में दो एडिशनल डिग्री मिलेंगी बैचलर ऑफ साइंस मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की, जो कि एक यूके की यूनिवर्सिटी, उसका नाम करिश्मा यूनिवर्सिटी है। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, देखो कल को आप कहीं भी अप्लाई करते हो किसी भी कंट्री में, क्योंकि आफ्टर कोविड जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें ऐसे फॉरेन ग्रेजुएट जो एमपीएस डिग्री होल्ड करते तो उनकी इजीली वहाँ जॉब लग जाती है। इसके अलावा कल को मान लो आपको खोलना है, अपना हॉस्पिटल ओपन करना है, आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं, फिर हरियाणा पंजाब से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, तो करना वहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एमपीएस डिग्री होल्ड करते तो आपको इजीली आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि सिंस 1994 से इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम पढ़ा रही है, तो एक ये भी आपको एडवांटेज हुआ है। उसी बात जब कोविड आया था तो कोविड में क्या था, लोग परेशान थे, पैनिक थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना, तो इसी यूनिवर्सिटी ने और आईएम सचिन यूनिवर्सिटी दोनों ने ज्वाइंट कोलाबोरेशन से दुनिया की सबसे पहले कोविड वैक्सीन भी क्रिएट की थी, तो क्लिनिकल टर्म्स में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी खुद के सिक्स उसके हॉस्पिटल भी हैं, है ना, तो जहाँ पर हॉस्पिटल अधिक होते हैं वहाँ पर क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको अच्छी मिलती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो मोस्टली जो बच्चे पढ़ने जाते हैं मेडिकल के प्रोग्राम में, वो सारे लगभग 70% बच्चे अपने इंडिया से होते हैं, रेशियो भी काफ़ी अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेफ्टी सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छा है, कैंपस के में आपका हॉस्टल है, आपका हॉस्पिटल है, इसके सामने आपका सुपर मार्केट है, तो सराउंडिंग चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं, प्रॉपर वहाँ पर इंडियन फूड भी है, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है, आप सेल्फ कुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती कि बेसिकली इसमें एडमिशन प्रोसेस होती क्या है, देखो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है, तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और अगर पासपोर्ट नहीं तो आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपका एडमिशन लेटर इशू होता है कॉलेज से, आपको क्या करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। अब यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस होती है, हॉस्टल फीस होती है, वो तकरीबन ईयरली आपकी $6,280 होती है, इसको आप सेमेस्टर वाइज और ईयरली दोनों बेसिस पे आप सबमिट कर सकते हैं। फिर क्या करती है, फिर यूनिवर्सिटी आपका इशू करती है इन्विटेशन लेटर, इसके हम लोग क्या करते हैं वीज़ा की जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आपका HIV चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगा, आपके ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा, आप हमें कुरियर करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको अरेंज करके हम लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। वीज़ा आने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ट्रैवल का। अब आता है फ्लाइंग अरेंजमेंट, सबसे पहले हम लोग आपकी टिकट कराते हैं, टिकट होने के बाद एक आपके पास एक गेट होती है एक्चुअली हमें कब फ्लाई करना है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं जैसे कि आप दिल्ली से कहीं बाहर रहते हैं, जैसे कि गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है या फिर केरल है, कर्नाटका है या फिर यूपी है या फिर राजस्थान है, कहीं भी रहते हैं, तो आपके पास एक टाइम होता है कि हमें अब दिल्ली पहुँचना है, हमें फ्लाई करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर यहाँ से जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो हमारे ऑफिस से एक डेडिकेट पर्सन जाते हैं आपके साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से जब पूरा ग्रुप जाएगा, एक ग्रुप में कम से कम जो मिनिमम जाते हैं बच्चे वो 30 जाते हैं, यहाँ से ग्रुप में जाने के बाद आपका पूरा बोर्डिंग पास लेके इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक कैंसिल आप साथ में आप पहुँचना, पहुँचने के बाद जैसे आप मॉस्को पहुँचते हैं, दिल्ली से मॉस्को की फ्लाइट रहती है, मॉस्को पहुँचने के बाद इमिग्रेशन होने के बाद प्रॉपर हम लोग वहाँ बस का अरेंजमेंट कराते हैं, फिर सारे बच्चे बस में बैठते हैं, वहाँ पर प्रॉपर खुली रहते हैं, वो अपना सामान वगैरह रखेंगे, रखने के बाद आप यहाँ से जाएंगे, तो पहुँचने के बाद हम लोग क्या करते हैं फूड का भी अरेंजमेंट कराते हैं, क्योंकि जाते ही बच्चे तो ना तो
कुक कर सकते हैं, ना ही कर सकते हैं। तो हम लोग जाने के बाद टू टाइम्स का फूड्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ये हमारे मतलब की फ्लाइंग टिकट होने के बाद की चीजें। इसके बाद जब आप जब स्टूडेंट पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी, तो कौन कौन से काम होते हैं? तो उनको हॉस्टल, सबसे पहले उनको हॉस्टल दिलाना होता है, तो हॉस्टल का सारा काम हम लोग करवाते हैं। उसकी सेम डे हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे को सिम कार्ड मिल जाए, क्योंकि सिम कार्ड अगर मिल जाए तो इजिली बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होता है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, आपका शॉपिंग करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ सामान लेके नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे जैकेट वगैरह है, आपके बूट वगैरह, क्योंकि वहाँ पर सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या नॉर्मल हम जो शूज़ पहनते हैं वो नहीं चलते, वहाँ पर प्रॉपर आपको बूट खरीदना पड़ता है। इसके बाद आपका पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, और जैसे वहाँ पर आपका वीजा एक्सटेंशन है, मेडिकल टेस्ट, वो सारा काम हम लोग वहाँ पर करते हैं। अब बात आती है कि हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है। देखो हॉस्टल के में जो प्रॉपर जो फैसिलिटीज होना चाहिए वो प्रॉपर है। इसके अलावा वहाँ पर प्रॉपर कैंटीन है, कंफर्टेबल रूम है, और रिक्वायर्ड जो एमिनिटीज हैं जैसे दो बेड हो गए, दो अलमीरा हो गई, दो स्टडी टेबल हो गए, दो स्टडी लैंप हो गए, आपके सेपरेट आपका वॉशरूम हो गया, है ना। तो वहाँ पर ट्विन शेयरिंग और इसके अलावा ट्रिपल शेयरिंग आपको मिल जाते हैं। और हॉस्टल नंबर 4 और 5 में यहाँ पर तकरीबन ये मान लीजिए इंडियन स्टूडेंट रहते हैं, तो आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हॉस्टल हैं। आप बात कर लेते हैं कि सर फीस के अलावा और कौन कौन से खर्च, इसे बोलते हैं लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट में आपका आता है फूड आता है और आपका आता है पॉकेट मनी। देखो आप लोग की फीस सबमिट हो गई, अब आपका टेंशन खत्म हो गया। अब मेन क्या वर्क है कि महीने का हमें मंथली फूड का देना है और आपको मंथली आपको पॉकेट मनी मैक्सिमम आप 10,000 से 15,000 के बीच में, है ना, एक बना के चलें बजट कि इतना मंथली हमें खर्च करना है। इसमें फूड भी आपका आ जाएगा और पॉकेट मनी जैसे कि आपका स्टेशनरी वगैरह है, या फिर मान लो कोई सामान मोबाइल का रिचार्ज, या मान लो शहर में कहीं आपको ट्रेवल करना है, मान लो कहीं जाना है, या इसके अलावा आपने कुछ कहीं आप कैफे में जाते हैं कुछ खाते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने कुछ परचेज कर लिया, तो 15,000 रूबल इनफ है आप, क्योंकि 10 महीने वहाँ स्टूडेंट रहते हैं। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है कि आसपास सराउंडिंग क्या। देखो एक तो जो यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर है, तो सिटी सेंटर के आसपास सुपर मार्केट है, सामने उसके जस्ट फ्रंट में आपका सेंट्रल पार्क है, जस्ट मतलब कि कैंपस के में ही आप समझिए, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग है वहाँ से हार्डली 150-200 मीटर पे ही आपका हॉस्टल नंबर 5 है। और उसके अलावा फिटनेस सेंटर है, जिम है, क्लिनिक्स है, और कॉफी शॉप है, इसके अलावा फार्मेसी है, तो मतलब सराउंडिंग आपको हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर ही। पास में यूरोपा है, जैसे यहाँ पर सुपर मार्केट अपने यानी बिग बाजार होता है, स्मार्ट बाजार होता है, ऐसे वहाँ उसका नाम सुपर यूरोपा होता है, और पित्रुष्का बोलते हैं उसको वहाँ पर। तो अच्छा, अब वहाँ की कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर वहाँ की बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पर लैंग्वेज अब हार्डली आपको 6 to 8 मंथ लगते हैं प्रॉपर आपको बोलने में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में, क्योंकि रशियन लैंग्वेज बहुत आसान है। दूसरी बात, वहाँ के लोग बहुत हम्बल है, रशियन लोग आपको अच्छे से बिहेव करना, वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो लोग बहुत ही हम्बली बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा दूसरे से एक्स्ट्रा बनाती हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो उन्होंने अभी यहाँ पर काउंसलिंग की इंडिया में, उनको नहीं मिला एडमिशन, आप परेशान मत होइए, आपके पास स्टिल एक चांस है कि आप अपना ईयर भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप कोचिंग करेंगे, कोचिंग करने का अगर आपका नंबर 300 है 400 है, फिर वही नंबर आपका सेम रहना है, तो उससे क्या होगा, कहीं कि आपका अमाउंट भी वेस्ट जाएगा, टाइम भी जाएगा, तो हम दोनों चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए आपके पास विंटर इनटेक है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से स्टडी करने के बाद आपको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, सब एक वर्ल्ड क्लास आप डॉक्टर बन के निकलेंगे। फीस ही बहुत अफोर्डेबल है, ईयरली मोटा मोटा वो 4 से 5 लाख इसकी ईयरली फीस है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेडिकल इंश्योरेंस। तो ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई इसमें करना चाहते हैं कुछ की स्टेट मेडिकल में, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारे वेबसाइट जाके अप्लाई आप कर सकते हैं। थैंक यू।